बेगूसराय के सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता भोला सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना बीजेपी दफ्तर लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वो अपने दौर के बेदाग नेता थे। एक लोग होंगे संसदीय जीवन में जो इतने लंबे संसदीय जीवन तक रहा और राजनीति में बेदाग और बेबाक रहने वाले भोला बाबू, जो मेरा तो सौभाग्य है कि नवादा उनके सीट पर मैं लड़ा, इसलिए मेरा तो सौभाग्य रहा कि उनके सानिध्य में भी बहुत बार काम करने का मौका मिला। भोला बाबू उस राजनीतिक जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के एक ऐसे योद्धा थे जिस योद्धा का अपूर्णीय क्षति अब समाज। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भोला सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सक्रिय और लोकप्रिय विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई। मंत्री के रूप में भी अच्छी भूमिका निभाई और सांसद के रूप में भी अपनी पूरी भूमिका निभाते रहे। वैसे तो जो व्यक्ति भी जन्म लेता है उसको कभी न कभी जाना है, यह बात सबको मालूम है। वे चले गए लेकिन उनके जाने से हम सबों को बहुत ही दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और उन्होंने जो काम किया है मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी उनके काम के बारे में पूरी जानकारी रखेगी और उनकी बहुत सारी बातों से प्रेरणा भी मिलेगी। दिल्ली के RML अस्पताल में इलाज के दौरान भोला सिंह का निधन हो गया था। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से भोला सिंह बीमार चल रहे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।